Today topic is Venn diagram. We will learn about what is Venn diagram and how it works. So let us start Venn diagram. Question is that what is Venn diagram? Venn diagram is graphical representation of sets under consideration of universal sets, and it gives some information about how these sets are related to each other. Then this is pictorial representation of sets under consideration of universal set. Universal set U. It also gives information about how much elements are common among sets. तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अंडर कंसिडरेशन ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट्स यू. And it gives information about how much elements are common among sets. मतलब एक दूसरे में कितना common element है उसके बारे में information देता है. तो कैसे हम लोग graphical representation करते हैं उसके लिए ज़रूरी है एक rectangular box. Rectangular box है और rectangular box को में हम corner में U लिख देते हैं कैपिटल U राइट टॉप कॉर्नर. तो ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है और जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन रहते हैं सब इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही बनाए जाते हैं. अब एक एक करके हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कि यूनिवर्सल ऑपरेटर होता है इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है ये सब ऑपरेटर यूज़ करते हुए वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पे जैसे एक तो सबसेट का ही देख लीजिए पहले फर्स्ट वन. जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक सेट ए है और इसके अंदर एक दूसरा सेट बी बना हुआ है देन वी कैन इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट बाई रिलेशन ए इज बी इज सबसेट ऑफ यू और ये बी इज सबसेट ऑफ ए. ये एक प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो ये बी सबसेट हो जाएगा ए का. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कॉर्नर पे यू बना देंगे. इसी तरीके से अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें एक सेट लें जिसके कॉम्प्लीमेंट की बात अगर हम करें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए भी आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे. रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ कॉर्नर पे यू लिख दीजिए. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा. अब मान लीजिए कि ये यह एक सेट ए है
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके सर्कल के आउटसाइड में जो भी रीजन है, ये सब के सब, या ऐसे बना देते हैं, ये सारा रीजन जो है ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, जिसको हम लाइन से डिनोट कर रहे हैं। ये पूरा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होंगे। तो ये रीजन आपका आउटसाइड द सर्कल रीजन विद इन रेक्टेंगुलर बॉक्स ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, और यह ए सेट को शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम ए माइनस बी सेट की बात करें, थर्ड जो है ये तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम ए माइनस बी दो सेट के डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाइए जो कि ए सेट को डिनोट करेगा, और बी एक सेट बना दिया, तो इस ए सेट के अंदर जो भी रीजन बी वाले कॉमन पोर्शन उसको एक्सक्लूड करने के बाद बचता है, वो ए माइनस बी को शो करेगा। तो ये रीजन जो हो जाएगा आपका ए माइनस बी हो जाएगा। इस तरीके से हम ए माइनस बी को भी शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, ए यूनियन बी, तो यहाँ पे फिर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है उसको शेडेड कर देंगे या किसी लाइन से बना देंगे। अगर यह ए है और यह बी है, तो ए यूनियन बी ये पूरा रीजन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रीजन ए यूनियन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी को बताने के लिए हम लोग फिर अगेन वही सेम डायग्राम ए यूनियन बी का रिपीट करेंगे, बस साइडेड रीजन अलग हो जाएगा। इसमें ए इंटरसेक्शन बी ये रीजन है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी रीजन। नेक्स्ट अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो यहाँ पे फिर अगेन हम वही सेम डायग्राम बनाएंगे जो अभी पिछला बनाए हैं, और ये ए अगर है और ये बी है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी रीजन कॉमन पोर्शन को छोड़कर जो भी रीजन बच रहा है वो ए सिमेट्रिक बी रीजन हो जाए। क्योंकि ए सिमेट्रिक बी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, और इन्हीं दोनों का यूनियन लेना रहता है। तो ये ए माइनस बी है और ये बी माइनस ए, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी सेट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर से रिलेटेड, सम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं तो न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेट इज कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट is cardinal number of that set if set is A, then cardinal number of set A is represented by
दिस वे और एन ऑफ ई, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कार्डिनल नंबर बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उस सेट के अंदर उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए इज सेट इन विच एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी डी, देन कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू 4, बिकॉज देयर इज 4 एलिमेंट 1 2 3 4, सो कार्डिनल नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 4। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्डिनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को देखिए, अगर ग्राफिकली आप समझें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हाउ दिस रिलेशन इज एग्जिस्टिंग। अगर आप ए एक सेट बनाइए, रेक्टेंगुलर बॉक्स पहले बना लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया और ये एक सेट हो गया और बी एक सेट हो गया। हमको पता है कि ए यूनियन बी यही होता है। अब इसमें ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज रिपीटेड ट्वाइस, ये जो रीजन है ये दो बार आ जाता है, एक तो ए के साथ आ रहा है और एक बी के साथ आ रहा है। तो एक बार ये रीजन चूंकि एक ही बार है, चाहे आप ए में कंसीडर कर लीजिए चाहे बी में कंसीडर कर लीजिए। अगर आप इस डायग्राम को ऐसे समझें, ए हमने ऐसे बना दिया और बी हमने ऐसे बना दिया, तो ये वाला रीजन जो हुआ ए हुआ और ये रीजन जो हुआ वो बी माइनस ए हुआ, या बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी चीज आप लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, दिस ए इज इक्वल टू क्या है, दिस ए इज इक्वल टू एक तरीके से आप देखें तो इसके अंदर यह ए पूरा है। तो अब आप इसको और इसको कंसीडर करिए तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यह ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो कार्डिनल नंबर इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्डिनल नंबर आराम से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं उनके बीच में रिलेशन, के यूनियन बी के अंदर कार्डिनल, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर, सेट ए का कार्डिनल नंबर प्लस सेट बी का कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। तो कैसे आया ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसी में आप देखिए कि कुछ स्पेशल केस है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, अगर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो, मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उस सिचुएशन में जो ये आप माइनस कर रहे हैं इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कार्डिनल नंबर आप अगर ए इज इक्वल टू 5 है तो कार्डिनल नंबर आप जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 दिया गया है तो कार्डिनल नंबर आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी माइनस 0 यानी कि सिंपल आ जाएगा, देन a इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, उसको फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पेशल केस था, अगर ए बी दोनों डिसजॉइंट हैं तो उस सिचुएशन में ये डायग्राम भी कैसा बनेगा, देखिए ये भी देख लीजिए। इस सिचुएशन के लिए डायग्राम कुछ भी पोर्शन के बीच में कॉमन नहीं रहेगा, ये अलग अलग रहेंगे, ए बी दोनों अलग अलग। तो ए यूनियन बी आपका एक तरीके से ए प्लस बी के बराबर आएगा कार्डिनल नंबर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो है, एक चीज़ तो हमने अभी बताया ही है कि अगर आपसे कोई पूछता है, बहुत सारी जगहों ज़रूरत पड़ती है कि ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नंबर। इसी तरीके से बी माइनस ए का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ता है कि जैसे पूछा जाए कि फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स जो है वो ए से डिनोट कर रहे हो, फिजिक्स को बी से डिनोट कर रहे हो, तो आप ए माइनस बी कैलकुलेट करोगे कि मैथ माइनस फिजिक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैथ माइनस फिजिक्स का कार्डिनल नंबर। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, तो उस सिचुएशन में आपको एम माइनस पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जिससे ये पूछा जाता है फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो आप उसमें सिंपल यम कैलकुलेट करोगे, यानी कि ए कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उसमें ये कंडीशन नहीं है कि कोई और सब्जेक्ट लिया है कि नहीं लिया है। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है कि जैसे मैंने बताया कि फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट विच हैव टेकन सब्जेक्ट ए बट नॉट टेकन सब्जेक्ट बी, देन यू हैव टू कैलकुलेट ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। बट अगर इफ सिंपली आस्क दैट व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन सब्जेक्ट ए, देन नो डोंट हैव नीड टू कैलकुलेट ए माइनस बी, ओनली ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड ऑन है, एक प्रॉपर्टी और भी। ए अगर तीन सेट ले लिया जाए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी बट प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको ऐड करना पड़ेगा एक बार, ये क्यों हो रहा है उसको आप देख लीजिए, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे अगर एक बीन डायग्राम आप बनाएं, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी क्यों ऐसा हो रहा है। ये ए सेट है और ये बी सेट है और ये सी सेट है, तो अब आप देखिए कि इसमें ये वाला जो रीजन है और ये वाला रीजन है, ये रीजन फिर ये हॉरिजॉन्टल बना दे रहे हैं और ये स्लैंट बना दे रहे हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रीजन, वर्टिकल रीजन और स्लैंट रीजन, स्लैंट को थोड़ा सा और टेढ़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दीज रीजन्स आर रिपीटेड, दे कम्स ट्वाइस,
ये रीजन सारे रीजन दो दो बार आ रहे हैं, एक बार ए के साथ आ रहा है, फिर वही रीजन बी के साथ भी आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए ये रीजन जो पूरा है एक बार ए के साथ आ रहा है और फिर सी के साथ भी आ रहा है, फिर ये बी के साथ भी आ रहा है ये रीजन और सी के साथ भी आ रहा है। तो इस वजह से उसको, और है वो क्या, ये रीजन आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये रीजन आपका बी ए इंटरसेक्शन सी है, और ये रीजन जो है आपका बी इंटरसेक्शन सी है। तो ये जो ट्वाइस मतलब दो बार जो आ जा रहा है उसके नाते एक एक बार माइनस किया जा रहा है, और उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये वाला रीजन तीन बार तो आया था, एक बार ए के साथ आया था, एक बार बी के साथ भी आया था, एक बार सी के साथ भी आया था। ये रीजन जो आपका है, सिर्फ ये रीजन जिसको हम पूरा डार्क कर दे रहे हैं, तो ये रीजन आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, लेकिन इसकी प्रेजेंस तीन बार हो रही है, एक बार ए की वजह से, एक बार बी की वजह से, एक बार सी की वजह से, लेकिन ये तीन के तीनों बार एक्सक्लूड हो जा रहा है ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ दिस रीजन हैव बीन रिमूव्ड ड्यू टू सब्सट्रैक्टिंग थ्राइस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी। सो टू रिमेन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस रीजन वी हैव टू ऐड वंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस वजह से उसको एक बार ऐड करना पड़ा हमें, अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से ऐड करना पड़ रहा है। तो ये ध्यान देना है कैसे ये प्रूफ होता है, कैसे समझना होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर आप फोर सेट पे बेस्ड ऑन बात करेंगे तो थ्री पे अभी दो सब एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए यूनियन बी की जब आप बात किए तो आया था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन जब थ्री सेट की बात की है तो इस तरीके से आया, और जब फोर सेट की बात करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इसमें क्या होगा, इसमें भी ए आप ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे, सी ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, लेकिन अब माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में आपको जो भी दो दो के लेके पेयर बना सकते हैं उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे जब तो टू के पेयर जो बनेंगे, एक ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, भाई फोर सी टू, चार सेट हैं फोर सी टू, तो फैक्टोरियल फोर अपान फैक्टोरियल टू अपान फैक्टोरियल टू, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू जा ट्वेंटी फोर, और फोर से आप फिर डिवाइड कर देंगे तो सिक्स पेयर टोटल बनेंगे। ये ध्यान देना है कि कैसे कितने हमें माइनस करने हैं, एक तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। अब पहला ए लिए थे उसको अब हटा देते हैं, बी लेते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है इस बी इंटरसेक्शन ए नहीं, उसी ए बी सी डी आप लिखिए, और कैसे पेयर बनाया जाता है, एक बार ए का बी से, फिर ए का सी से, फिर ए का डी से, फिर अब आगे बढ़ के बी का सी से पीछे नहीं जाना है, फिर बी का डी से, फिर आगे बढ़ जाइए सी से डी का, तो इस तरीके से आपके सिक्स पेयर बन जाएंगे टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस बी इंटरसेक्शन डी, फिर माइनस सी इंटरसेक्शन डी। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पेयर टोटल बने और इस सिक्स को हमने माइनस कर दिया। अब आप देखिए, एक बार आपको ऐड कर एक अब आपको ऐड करना पड़ेगा थ्री वाले, तो थ्री वाले कितने बनेंगे, फोर सी थ्री, तो फोर सी थ्री का मतलब फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल वन, तो ये तीन बनेंगे, टोटल चार बनेंगी, इस तरह के
चार आपके बनेंगे तीन तीन वाले, और वो बनेगा क्या, आप देखिए, दो को फिक्स रखिए, एक को चेंज करिए, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फोर, एक तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब इन दो को फिक्स कर दीजिए, एक को चेंज करिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, दो बन गए। फिर प्लस, अब आप क्या करेंगे, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए और डी ले लीजिए, तो बी सी डी हो गया। अब एक बच रहा है आपका, अब एक क्या बच रहा है, वो बच रहा है इसको फिक्स कर कर देते हैं तो एक बढ़ जाए, ए और आप चेंज कर सकते हैं बी की जगह, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इस तरीके से ये चार पता चल गए, दो को फिक्स रखिए, एक चेंज कर दीजिए, और इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सीक्वेंस आपको नहीं, सीक्वेंस बदलने से कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो इशू ऑफ ऑर्डर, दिस इज प्योर कॉम्बिनेशन, सो वी हैव टू केयर अबाउट विच ऑफ सेट्स यू कंसीडर फॉर मेकिंग कॉम्बिनेशन। तो ए बी सी एक बार लिया, अब आप उसमें बी बी पहले लिख दीजिए, सी बाद में लिखिए, ए बाद में लिखिए, उससे वही सेट बनेगा, कोई दूसरा सेट नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए फोर बनेंगे, आप इन दो को फिक्स किए तो ये दोनों बन गए, फिर आपने सी डी को फिक्स किया तो बी और ए वाला बन गया, इसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं, इन दोनों में ए है और इन दोनों में, इसमें क्या है, इसमें ए नहीं है और इसमें बी नहीं, इन दोनों में बी था। अब एक और बच रहा है टेकिंग ऑल, तो टेकिंग ऑल को लेके जो बनेगा एक ही बनेगा, फोर सी फोर, हमने क्या किया किया, फोर सी वन किया तो फोर बने, वही ए बी सी डी ये बने, और फोर सी टू लिया तो सिक्स बने, फोर सी थ्री लिया तो आपके फोर बने, और फोर सी वन, फिर से बता रहा हूँ, फोर सी वन लिया तो फोर बने ए बी सी डी, फोर सी टू लिया तो आपके सिक्स बने, जो आपके यहाँ लिस्ट हैं 1 2 3 4 5 6, फोर सी थ्री लिया तो फोर बने जो कि ये सब हैं, फोर सी फोर लेंगे तो सिंगल बनेगा जो कि आपका ये है, और इसको माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब हर चीज़ बीन डायग्राम से इसे फिर बनाएं, फिर कंसीडर करें तो डिफ़िकल्ट होगा, बहुत सारी रीजंस बनेंगे, इस वजह से मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट होता है। आप सब में देखिए, ये लिखा आपने जो ऑड वाले, जिसमें ऑड नंबर ऑफ सेट हैं वो एडिशन में हैं, और जो इवन नंबर ऑफ सेट्स में हैं वो माइनस में हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ऑड वाला प्लस, ऑड के आगे प्लस लगाना है, इवेन के आगे माइनस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों ऑड हैं, ये इवेन है, इस वजह से माइनस है और ऑड वाले प्लस है। इस पर भी टेस्ट कर लीजिए, ऑड 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 सब प्लस है, इवेन 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 माइनस, ऑड प्लस, फिर यहाँ देखिए ऑड 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 प्लस, इवेन 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 इवेन, सबके आगे माइनस है, इवेन सॉरी हाँ, उसके बाद फिर ऑड पे देखिए, ऑड 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 ऑड, इन सब पे प्लस है, फिर इवन पे देखिए माइनस है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आपको कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। ऑड वाले सब आपके एडिशन साइन के साथ आ रहे हैं और इवन वाले सबके सब निगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं, और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जो भी कार्डिनल नंबर पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें यूजफुल रहेगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो अगर इसके कार्ड इसके रीजन्स बना के अगर आप देखना चाहें तो उसको हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, अगर आप कार्ड वीन डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि इसमें फोर सेट्स हैं, ए बी सी और डी, क्योंकि आपको हर एक सेट से कंबाइन करके दिखाना है, कोई भी ऐसा सेट ना रहे जो सबके साथ
ओवरलैप ना करें। देखो ए है, ए आपका बी के साथ ओवरलैप है, बी के कुछ रीजन के साथ, सी के साथ भी है और डी के साथ भी मैंने करा दिया, ये आपको कराना ही कराना है। बी वाले को भी देख लीजिए, बी ए के साथ है, सी के साथ भी है रीजन, डी के साथ भी है। इसी तरीके से डी वाला तो सबके, जब ए बी सी के साथ टेस्ट हो गया तो डी डी भी सबके साथ होगा, बी के साथ भी है, ए के साथ भी है, सी के साथ भी है। तो इसमें आपको ये देखना रहेगा कौन सा ऐसा रीजन है जो चारों में कॉमन है। वही अब देखिए ऐसा डायग्राम बना हुआ है, इसमें कंसंट्रेट करके पता करना कि कौन सा ऐसा रीजन है जो सभी के सभी में हो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहीं पे कहीं पे है ये रीजन। अब आप देखिए ये वाला रीजन जो है, ये रीजन आपके चारों में होगा, ये रीजन आपके चारों सेट में है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। अगर आप इस रीजन की बात करें तो ये रीजन देखिए इसमें बी नहीं है, अगर इस रीजन की बात करें इसमें बी नहीं है तो ये ओ नहीं हो सकता, ये इस रीजन की बात करें तो इसमें ए नहीं है, डी बी सी सब है लेकिन ए नहीं है, इसमें बात करें तो इसमें डी ही नहीं है लेकिन इसकी बात करें तो इसमें सी नहीं है। तो इस तरह से क्लियर है कि यही रीजन वो है जिसमें ए बी सी डी चारों हैं। तो ये जो ऑड वाले होते हैं वो हमें माइनस करने रहते हैं और ऑड वाले प्लस करने रहते हैं और इवन वाले माइनस करने रहते हैं। अब यहाँ पे इवन वाला रीजन आप देखिए, तो इवन वाले रीजन में एक दो तीन ये छः बार माइनस किए गए हैं, तो इस वजह से किए गए हैं कि ये छः बार आ रहे होंगे, सिक्स टाइम्स ये आ रहे होंगे, एक बार ए बी के साथ आ जा रहा होगा, बी सी के साथ आ जा रहा होगा, सी डी के साथ, इस वजह से उसको माइनस कर दिया गया है। और फिर इसी तरीके से आपका जो माइनस करने की वजह से क्या हो रहा होगा कि ये वाला रीजन एक्सक्लूड हो जा रहा होगा, तो उसको रिटेन करने के लिए, एग्जिस्ट बनाए रखने के लिए इसको ऐड किया जा रहा है। फिर इस ये ऐड करने के कारण क्या हो रहा होगा कि ये रीजन फोर टाइम्स आ जा रहा होगा, जबकि एक ही बार आना चाहिए, तो एक बार एक्स्ट्रा आ जा रहा होगा, इस नाते एक बार इसको माइनस कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से कार्डिनल नंबर पे बेस्ड ऑन आपका कॉन्सेप्ट था। अब इस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो कार्डिनल नंबर पे बेस्ड ऑन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन कार्डिनल नंबर के बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, एक तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन उसमें इस तरह का रहता है कि सपोज डैट एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, अब पूछा गया कि उसमें 40 ऐसे हैं कि जिन्होंने फिजिक्स लिया है और 30 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ लिया है। तो अगर आपके क्लास में 60 स्टूडेंट हैं और 40 ने मैथ लिया और 30 ने फिजिक्स लिया, और ये भी बोल दिया गया है कि सभी ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है, मैथ और फिजिक्स में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर लिया, ये भी कंडीशन दे रखा है, तो अब आप सोचिए कि अगर आप 40 प्लस 30 करेंगे तो ये तो 70 आ जाएगा, जबकि आपके पास टोटल 60 स्टूडेंट ही हैं, तो निश्चित तौर पर 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे। अब अगर आप बीन डायग्राम से रियलाइज़ करिए तो ये 40 आपका ये मान लीजिए मैथ वाला हो गया और ये 30 आपका फिजिक्स वाला हो गया, तो यहाँ पे 40 30 70 हुआ, लेकिन ये जो 10 एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो 10 यहाँ पे हैं, तो ये मैथ और का कार्डिनल नंबर 40 दिया गया है, फिजिक्स का कार्डिनल नंबर 30 दिया गया है, लेकिन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इज इक्वल टू आपका 10 आया। फॉर्मूला अगर आप लगा के देखें तो एम यूनियन पी इज इक्वल टू, क्लियर है कि हमारा 60 ही है क्योंकि टोटल स्टूडेंट 60 ही है, ये कार्डिनल नंबर आप यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 60 दे रखा है। तो अगर आप फॉर्मूला लगा के करते हैं एम यूनियन पी का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू मैथ का कार्डिनल नंबर प्लस फिजिक्स का कार्डिनल नंबर माइनस मैथ एंड फिजिक्स बोथ का कार्डिनल नंबर, तो ये 60 है
और ये 40 है और ये 30 है माइनस एम इंटरसेक्शन पी। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एम इंटरसेक्शन पी इधर ले आइए, 60 उधर ले जाइए, तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।